सरकार ने 112 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसमें बिहार के 6 लोगों के नाम भी शामिल हैं। इन पुरस्कारों में बिहार का मान बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हुकुम देव नारायण यादव को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। वहीं भागीरथी देवी को लोक मामले में, मनोज वाजपेयी को अभिनय के क्षेत्र में, राजकुमारी देवी को कृषि, ज्योति कुमार सिन्हा को सामाजिक कार्य में, गोदावरी दत्त को कला और पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भाषणों से होती है हुकुम देव नारायण यादव की पहचान। हुकुम देव नारायण यादव मधुबनी से बीजेपी के सांसद हैं। इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि सादगी और देसी स्टाइल में अपने भाषणों को लेकर ये जाने जाते हैं। इन्हें 2014-2017 सत्र के लिए आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड भी मिल चुका है। ये अपने क्षेत्र के विकास और गरीबों के हक की आवाज भी हमेशा उठाते रहते हैं। किसान चाची से मशहूर हैं राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव की रहने वाली हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने खेती करके लोगों के बीच इस भ्रम को तोड़ा है कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। लोग इन्हें प्यार से किसान चाची भी कहते हैं। इनके कामों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। मधुबनी पेंटिंग है गोदावरी दत्त की पहचान। मधुबनी पेंटिंग की शिल्प गुरु गोदावरी दत्त मधुबनी की ब्रांडी मधुबनी पेंटिंग को देश विदेश में फैलाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। पिछले 50 सालों से ये इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी इनका जुड़ाव रहा है। बच्चों में शिक्षा का अलग जगा रहे ज्योति कुमार सिन्हा 1967 बैच के IPS अधिकारी हैं। हालांकि काम से रिटायर होने के बाद अब इनका अधिकांश समय मुशहर समाज के बच्चों को पढ़ाने में बीतता है। पटना में ये एक स्कूल चलाते हैं जहां करीब 300 से भी ज्यादा मुशहर समाज के बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं। लोगों की आवाज उठाती हैं भागीरथी देवी। पश्चिम चंपारण की रामनगर विधानसभा सीट से भागीरथी देवी 4-4 बार बीजेपी से विधायक रही हैं। महादलित समाज से आने वाली भागीरथी देवी हमेशा से महिलाओं और दलितों की आवाज उठाती रही हैं। इनके अच्छे कामों की वजह से क्षेत्र में इनका खूब सम्मान है। फिल्म और रंगमंच ने बनाई मनोज की अलग पहचान। बेतिया के रहने वाले मनोज वाजपेयी बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है। सत्या फिल्म से बॉलीवुड में इनकी अलग पहचान बनी। इन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल भाषा में भी कई फिल्में की हैं। इन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।